नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह। मैं आपको लेकर आया हूं आज उधमपुर एमएच चौक पर। पहले मैं आपको ये बता दूं कि एमएच चौक पर 11 केवी की यहां पे तार लगी हुई है। ये देखिए ऊपर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये देखिए, ये 11 केवी की तार थी लेकिन पेड़ के साथ ये पूरी टच कर रही थी और यहां पे स्पार्किंग थी। तार भी टूट सकती थी और पेड़ भी टूट के गिर सकता था। और यहां पर आए दिन लोगों का जमावड़ा यहां पे रहता है। सामने यहां पे विशाल मेगावाट है, लोग यहां पे जमा रहते हैं। लेकिन यहां के लोगों द्वारा फ़ोन किया गया बिजली विभाग को और बिजली विभाग की तुरंत उसी समय पूरी टीम यहां पर पहुंची है और इसे ठीक किया जा रहा है। देखिए, बड़ा हादसा होने से ये टला है। और बिजली विभाग की अगर मैं बात करूं तो इनके जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनकी तारीफ करना ज़रूरी है। यहां पर देखिए, मौके पर ये पहुंचे उसी समय। आज संडे था, आज एतवार था, छुट्टी पर रहते हैं लोग, लेकिन उसके बावजूद भी ये पूरी टीम यहां पर आई हुई है और इस तार को ठीक किया जा रहा है। तार काटी जाएगी, नई डाली जाएगी, कुछ ना कुछ किया जाएगा। लेकिन मैं फिर आपको ये बता दूं कि सुबह से ही लोगों के भी हमें फ़ोन आए थे कि यहाँ पर स्पार्किंग कर रही है और ये तार टूट सकती है या पेड़ टूट के गिर सकता है नीचे। लेकिन यहाँ के लोगों द्वारा बिजली विभाग को जब फ़ोन किया गया तो बिजली विभाग के जो लोग हैं यहाँ पे, जो टीम है इनकी, ये पूरी पहुँची यहाँ पर। लेकिन मैं यहाँ के जो अधिकारी हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। सुरेश जी, क्या कहना चाहेंगे कि ये अगर ये टूटता या गिरता तो कितना नुकसान हो सकता है? ये काफ़ी नुकसान हो सकता है। कंडक्टर भी गिरने से लोगों को भी जान माल की हानि हो सकती थी, पेड़ भी जलने से गिर जाता था। लेकिन बेसिकली क्या था, जो इसमें काफ़ी डिस्टेंस था, पेड़ है जो दिन ब दिन बढ़ता गया। इसमें जब जो हमारी लाइन लगी थी उस वक्त इसके बीच में कम से कम 2-3 फुट का फासला था। जैसे जैसे पेड़ बढ़ता जा रहा है, हमारा फासला कम होता जा रहा है। पीछे भी हमने 2 साल पहले भी हमने इसका अरेंजमेंट किया था, जब जो पेड़ इसको हमने आगे किया था, लेकिन पेड़ को बढ़ने से कोई नहीं रोकता। लेकिन पेड़ ऐसी कंडीशन में है जो पीएचई विभाग के अंदर लगा हुआ है, इसको काटना इतना आसान नहीं है क्योंकि इसको कट नहीं सकता। इसलिए हमने इसका जो अरेंजमेंट हमसे हो सकता था इस फॉर द टाइम के लिए हमने उसको कर दिया कि आने वाले 2 साल तक ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। जी, कहीं देखें तो ऐसे कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे ऐसे बिजली की तारें थोड़ी थोड़ी थोड़ा थोड़ा फासला है, कोई 1 फुट का, 1.5 फुट का फासला है। क्या विभाग की ओर से कोई ऐसा नहीं किया जा सकता? क्या सर, जहाँ पे हमारे हदूद में होता है हम वहाँ पे जितने पेड़ काट सकते हैं हम काटते हैं। लेकिन कई जगहों पे पेड़ होता है लोगों के घरों के अंदर होते हैं, लोग हमें पेड़ नहीं काटने देते हैं, बोलते हैं हमारा पर्सनल पेड़ है, आगे तो आगे जगह नहीं होती है। इस वजह से हम क्या करते हैं कि जो हमसे ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो सकता है कि उस सिस्टम को बचाने के लिए वो हम करते हैं। देखिए, ये सुदेश जी थे और ये यहाँ के अधिकारी हैं, इनकी अध्यक्षता में ये पूरी टीम यहाँ पर पहुँची है। लेकिन मैं फिर आपको ये बता दूँ कि इनका भी यही मानना है कि अगर समय पर नहीं पहुँचते तो ये पेड़ भी ऊपर से गिर सकता था और ये या तो तार टूट सकती थी। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि ये एमएच चौक है और काफ़ी बिजी चौक है, काफ़ी लोग यहाँ पे खड़े रहते हैं, गाड़ी का इंतज़ार करते हैं। लेकिन टीम, मैं फिर आपको बता दूं कि बिजली विभाग के जो अधिकारी या टीम है इनकी, ये मौके पर पहुँच के इसे ठीक किया जा रहा है। लेकिन ये भी एक सवाल उठता है कि कई जगहों पर इसी तरह से तारें थोड़ी थोड़ी पेड़ के साथ टच कर रही हैं। अगर लोगों के घरों के अंदर ऐसे पेड़ लगे हुए हैं तो लोगों को भी चाहिए कि बिजली विभाग को बुलाकर उन्हें दूर किया जाए या तो वो पेड़ काटा जाए। कैमरामैन अजय के साथ रवि सिंह, वीरा चैनल, उधमपुर।